वेलकम बैक टू आवर चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। तो जो जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिखा रहा होगा कि हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बिदिशा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए होंगे। जैसा आपको दिखा रहा होगा ये वाला ऑफिशियल वेबसाइट हो रहने वाला है। तो इसमें मैं बता दूं आपको, स्टाफ नर्स के रिगार्डिंग एक न्यू अपडेट निकल के आया हुआ है। तो क्या जानकारी देने वाली है, क्या आपके लिए जानकारी बेनिफिशियल होने वाली है, तो सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो जो भी चैनल पे पहली बार वॉच करे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी ही हेल्थ डिपार्टमेंट रिलेटेड अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए बात करते हैं कि आज का हमारा अपडेट कहाँ का होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट लेटर फॉर स्टाफ नर्स ऑन द म्यूचुअल ट्रांसफ़र बेसिस पे, मतलब म्यूचुअल ट्रांसफ़र बेसिस पे ये नोटिफिकेशन हमारा देने वाला। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं बता दूँ म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या होता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र ये होता है दोस्तों कि यदि आप इंदौर में रह रहे हैं या भोपाल में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, आप दोनों आपस में ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, तो वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है। मतलब कि आपकी जगह पे वो चले जाएंगे और आपकी जगह पे दूसरे नर्सिंग स्टाफ आ जाएंगे। चलिए बात करते हैं कि हमारा अपडेट में और क्या क्या चीज़ें रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं इसके जो भी नोटिफिकेशन निकला है लेटर, उस पर हम आ गए हैं। लिखा हुआ है जैसा कि आपको दिखा रहा होगा, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कहाँ की तरफ से देने वाला है। तो अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा मध्य प्रदेश की तरफ से ये अपडेट निकल के आया हुआ है। लिखा हुआ है नियुक्ति आदेश, मतलब नियुक्ति के आदेश के रिगार्डिंग ये अपडेट रहने वाला है। लिखा हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें अदला बदली के आधार पर अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के संबंध में पदस्थ स्टाफ नर्सों को संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय में प्राप्त अनुमति प्रमाण पत्र में, मतलब कहने वाली बात है कि इसमें जिन लोगों ने भी इस अपने आवेदन प्रस्तुत किए थे कि हमको यहाँ पे स्टाफ नर्स को ट्रांसफ़र करवाना है और मेचुअली उनको वहाँ पे आना है, तो उन लोगों के लिए ये लिस्ट जारी हो गई है। तो आप लिस्ट में अपना नाम देख सकते हो। लिखा है कर्मचारी का नाम, संस्था जहाँ कार्यरत है, कर्मचारी जिन्होंने अदला बदली करना चाहते हैं और संस्था जहाँ पे कार्यरत है। तो अब क्या होगा दोस्तों, अब ये वाले कैंडिडेट यहाँ पर वर्क करेंगे, देन अब ये वाले कैंडिडेट यहाँ पर वर्क करेंगे। तो इसमें ये कैंडिडेट जो भी इन्होंने लिखा, जैसे गांधी मेडिकल कॉलेज में एक को बता देता हूँ कि कुमुद चौहान स्टाफ नर्स, जैसा ये है कुमुद चौहान स्टाफ नर्स है, अब इनको ये कैंडिडेट यहाँ पे वर्क करेंगे। और जो लिखा है कि प्रिया पांडे स्टाफ नर्स है, वो यहाँ पे आके जीएमसी में अपना कार्यभार संभालेंगे। ऐसे ही जितने भी नौ कैंडिडेटों का यहाँ पे लिस्ट में नाम है, वो सारे ही एक दूसरे के स्थान पे परिवर्तन होंगे। तो उनके लिए ये अपडेट रहने वाला है। इसमें तीन कॉलेजेस है, रतलाम में एक कॉलेजेस है, देन खंडवा का मेडिकल कॉलेज है, देन गांडी मेडिकल कॉलेज है, जिनको तीनों के बच्चे यहाँ पे चाहिए। देन बात कर लेते कि और इसमें आपको नेसेसरी रिमाइंडर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों इसमें नियम एवं शर्तें आपके लिए भी लागू होने वाला है, जिसमें लिखा हुआ है कि 7 दिनों के अंदर आपको ज्वाइनिंग लेना ही पड़ेगा, नहीं तो इसके बाद फिर आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा। 7 दिनों के अंदर अपना कार्यभार संभाले। देन और बात कर लेते हैं इसमें क्या लिखा है कि 15 दिवस के अंदर दोस्तों आपको आपका मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा गांधी मेडिकल, उसको मेडिकल कॉलेज को, अटल बिहारी वाजपेयी को। देन लिखा है अटल बिहारी वाजपेयी में न्यूनतम 3 वर्ष का आपको कि एक प्रोविजनल पीरियड पे रखा जाएगा, कि जैसा लिखा हुआ है अनुबंध ये समयत्री प्रतिबद्ध शर्तों का पालन करने हेतु 0 से 1 अध्यर्थियों को परस्पर मिलेगी, मतलब ये आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और देन एक और लिखा है कि आपको नियुक्ति के संबंध में प्रमाण पत्र में कोई अभिलेख साक्षात्कार पाए जाने की दिशा में नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। यदि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स में यदि कुछ भी गड़बड़ होगी तो आपको नियुक्ति नहीं देने जाएंगे। और लिखा भी हुआ नियुक्ति के व्यक्ति को 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर उपस्थित प्रतिबंध के साथ इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुति अस्थायी पाई जाती है, तो जिसकी जिम्मेदारी उसके खोएम की होगी। तो ये उसमें आपको एक एफिडेविट भी, मतलब यहाँ पर लगने वाला है, तो आप एफिडेविट भी बनवा के रखिएगा जैसा इसमें दिखा रहा है। तो होपफुली दोस्तों मैंने वीडियो में सारी ही जानकारी आपके साथ कवर करी है। तो मैं बता दूं एक बार और क्या क्या आपको इसमें लगने वाला है। आपको ज्वाइनिंग 7 दिनों के अंदर लेना है। देन दोस्तों आपको एक एफिडेविट भी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, जिसमें लिखा होगा कि आपकी सारी जानकारी कंप्लीट है या नहीं। तो दोस्तों मैंने वीडियो में सारी ही जानकारी आपके साथ कवर करी है। यदि हमारा आपको वीडियो अपडेट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे जाइएगा, वीडियो के रेड बटन पर क्लिक करिएगा, और आने वाले इन फ्यूचर में हम हेल्थ डिपार्टमेंट रिलेटेड, नर्सिंग प्रोफेशन रिलेटेड सारी ही अपडेट कवर करते हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।